स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर डीएसएस ऑनलाइन क्लास। आई एम सरिता तिवारी, योर मैथ्स टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज सम क्वेश्चंस फॉर द पीरियोडिक सेकंड टेस्ट। लेट्स रिवाइज सम क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर वन इज, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम $10 एज अ गिफ्ट। मिथुन्स यूज्ड 350 रुपीज फॉर अ स्कूल ट्रिप। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम If $1 is ₹39.70। मिथुन के अंकल जो कि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने मिथुन को एज ए गिफ्ट $10 भेजे हैं, जिसमें से मिथुन ने 350 रुपीस को अपने एक स्कूल ट्रिप के लिए यूज कर लिया है। अब मिथुन के पास कितने रुपीस बचे हैं? अगर एक $1 की कीमत हमारे इंडिया में 39.70 है, तो अगर एक $1 की कीमत 39.70 है, अब मिथुन के पास कितने रुपए बचे हैं? तो पहले हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, पेपर अटेंड करने से पहले एक रफ कॉपी और एक पेन अपने साथ लेकर बैठेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको कि आप सॉल्व करके लिखेंगे आंसर। तो उसके लिए आप एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर बैठेंगे। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं कि मिथुन अंकल ने उनको $10 भेजे हैं, तो $1 की कीमत कितनी है हमारे इंडिया में? $1 की कीमत है ₹39.70। तो $10 की कीमत कितनी हो गई? ₹39.70। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? ₹397। तो $1 अगर ₹39.70 का था, तो $10 कितना हो गया? ₹397 का। उसमें से मिथुन ने क्या किया है, 350 रुपीज को एक स्कूल ट्रिप के लिए यूज कर लिया है, तो अब उसके पास कितना पैसा बचा है? तो हम क्या करेंगे, 397 में से रुपीज 397 में से रुपीज 350 को लेस कर देंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि कितने रुपीज उसके पास बचे हैं। तो हम लेस करते हैं, 7 में से 0 लेस किया तो 7 बचा, 9 में से 5 को लेस किया तो 4 बचा, 3 में से 3 को लेस करेंगे तो 0। तो हमारे मिथुन के पास कितने रुपीस बचे? ₹47। अब हम ये तीनों ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी। ए ऑप्शन है ₹37, बी ऑप्शन है ₹47 एंड सी ऑप्शन है ₹57। तो हमारा आंसर है ₹47। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन वी राइट 10 पैसे एज 0.1 ऑफ अ रुपीस। क्या हम 10 पैसे को 0.1 रुपीस में लिख सकते हैं? आंसर है ए यस, बी नो, सी नन ऑफ दैट, इनमें से दोनों में से कोई नहीं। तो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या 10 पैसे को हम 0.1 रुपीस लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम। जब 10 पैसे को हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो एक रुपीस में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 10 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 10/100। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 को काट दिया, अब हमारा फ्रैक्शन बना है 1/10। तो रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 1 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 हमारा डेनोमिनेटर है, आप जानते हैं कि डेनोमिनेटर हमेशा डिवाइजर होता है, और जो 1 न्यूमरेटर है वो क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। तो 1 की वैल्यू 10 की वैल्यू से कम है, तो हम 1 की वैल्यू को 10 की वैल्यू के इक्वल लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आएंगे, हम एक यहाँ पे 0.1 मेंशन कर देते हैं, एक 1 के बदले यहाँ पर हमने एक 0 मेंशन कर दिया, तो अब उन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई है, इक्वल हो गई है। तो 10 वन जा 10, 10 में से 10 लेस हो गया 0। तो ये जो 10 पैसे है वो 0.1 रुपीस हो गया है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, कैन वी राइट 10 पैसा एज 0.1 ऑफ रुपीस, यस वी कैन राइट 10 पैसा एज 0.1 रुपीस। तो हमारा ऑप्शन ए यस है, बी नो है, सी नन ऑफ देम है, तो ए ऑप्शन हमारा
0.50। तो जब हम इसको 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.50 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो गया 2.50 अपॉन 0.50। तो 2.50 में हम 0.50 से डिवाइड करेंगे, उसके पहले हम इसको होल नंबर बनाएंगे। होल नंबर बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको इसकी प्लेस वैल्यू के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये होल नंबर बनेगा। तो डेसिमल की बात की प्लेस वैल्यू मैंने आपको पहले भी समझाई है। डेसिमल की बात की प्लेस वैल्यू, ये जो पहला नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू 10 है और इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर भी इसकी प्लेस वैल्यू 10 है और इसकी 100 है, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 2.50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, और 0.50 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 50। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 काट दिया, 5 × 5 और 5 × 5 = 25, तो कितना आंसर आ गया, 5 मैच बॉक्सेस। तो हमारे जो क्वेश्चन 3 है इसमें ए ऑप्शन है 2 मैच बॉक्सेस, बी है 4 मैच बॉक्सेस और सी है 5 मैच बॉक्सेस। तो हमारा आंसर आया है 5 मैच बॉक्सेस। तो हम 2.50 पैसे में कितने मैच बॉक्स खरीद सकते हैं, 5 मैच बॉक्सेस। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, ये हमारा सी ऑप्शन है। इसी तरह से आप जब आपके पीरियोडिक टेस्ट में पेपर आएंगे तो आप इसी तरह से उसको सॉल्व करके सेलेक्ट करेंगे अपने आंसर को, जो सही ऑप्शन रहेगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू।